बात करेंगे लालू यादव के कल वाले भाषण की जो खूब वायरल हो रही है, और साथ ही बात करेंगे बीजेपी के लालू पर पलटवार की। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हुई राष्ट्र जनता दल की मीटिंग में लालू यादव ने अपने बेबाक अंदाज में नजर आए। इस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पार्टी के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद थे। इसी बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बीजेपी जंगल राज का रट लगाने में लगी है। बीजेपी का मकसद सिर्फ सरकार को तोड़ना ही रहता है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि अब हमें एकजुट होना है। नीतीश तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और हम साथ में ही सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। लालू यादव के इस बयान के बाद पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। सुशील मोदी ने लालू यादव को घेरा और कहा कि लालू यादव अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। क्या है पूरी खबर, आसानी से समझाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। जब मैं मुख्यमंत्री था, गांव गांव झोपड़ी झोपड़ी में घूमता था और भूख लगता था, सड़क के किनारे जो दलितों का गांव होता था वहाँ गाड़ी धो देते थे। आप पूछते थे वहाँ की महिला से, कई महिला है खाना है, खाना पकाई है, हाँ है, मकई के रोटी रोटी के सब्जी है, क्या है खाते हैं, इसमें अपना काम होता है। इस काम आपको करिए क्या कुछ सब मिल गए, उन्हें परिश्रम करिए, आप होकर के हमारा आदमी है और उनको ठीक करते हैं। सुने जनरल राज, जनरल राज का राज शुरू कर दिया बीजेपी द्वारा, तो जनरल राज का रिजल्ट लगा रहा है। आहत है सब, इनको कोई मौका नहीं देना है। सब सस्ता जो गया वो आना चाहता है, लौटेगा नहीं। 24 में भाजपा को हम लोग उखाड़ फेंके के साथ अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, हमसे जरूर ऐसे मसले पर राय लेते रहते हैं। देश में भाजपा को छोड़ के सभी पुलिस के फांके के दरवाजे खोलकर उन्होंने सब इकट्ठा जोड़ने का काम शुरू किया। एक हो सब लोग इकट्ठा हो, ये सब काम क्या कर रहा है। माननीय सोनिया गांधी जी विदेश मंत्री अब आ गई है, हम दिल्ली जा रहे हैं, समय लेके हम और नीतीश कुमार, हाँ राहुल गांधी का यथा खत्म हो जाता तो हम लोग मिले बोलेंगे। लालू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि किशनगंज में अमित शाह आ रहे हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ काला है, उनका उद्देश्य एक दूसरे को लड़ाना है। लालू ने कहा कि इस बात को लेकर नीतीश जी सजग हैं और हम लोग भी सजग हो गए हैं, ये लोग इरिटेट करते हैं। अभी देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में शाह आके घूम रहे हैं, जरूर इसके मन में काला है,
चाहता है जो कि आप उसमें चला के और हम शक्ति को प्राप्त करें। हम लोग सजग हैं, नीतीश कुमार सजग है, हम लोग कृपा होते रहते हैं। आपको भी पूरा ध्यान रखना है, इन चीजों के पास कभी भी कमजोरी नहीं करना है। मस्जिद पर जाकर झंडा फहराना है, हनुमान जी का हनुमान चालीसा मस्जिद के बाहर होता है। क्या पकड़ है, क्या बदमाशी है, इरिटेट करता है लोग आए और हम लोग फिर अपना काम पूरा करते हैं। मस्जिद पर चढ़ जाता है, झंडा फहरा और उनके पीछे यदि कम लाइन दंगा फसाद हो और हम मूल समस्या जो है रूप लाएंगे, अच्छी ढंग से रुपये लाएंगे और सबके खाता में हम जमा करेंगे, खाता भी खुलवा दिया, सभी लोगों को खाता खुलवा दिया, एक पैसा नहीं है नहीं। नौकरी के मामले में भी आपने देखा होगा, कोई नौकरी नहीं, कोई इसमें किसी को मौसम नहीं है। लालू यादव के बयान के बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान सामने आया, जिसमें सुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव बीजेपी का सफाया करने की कोशिश में ताकत ना लगाएं, वो अपनी तबीयत का ध्यान रखें। लालू यादव शेखी बघार रहे, कह रहे कि 2024 में बीजेपी का सफाया कर देंगे। लालू जी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा था, जब धुआंधार दौरा करते थे और घंटों भाषण करते थे, तब तो 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में 4 सीट पर सिमट गए थे। उस समय भी आपने 40 सीट पर जीतने का दावा किया था और 2019 में तब 0 पर आउट हो गए थे। तो अब आप क्या बीजेपी का सफाई कीजिएगा? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, देश की चिंता बाद में कीजिएगा, पहले स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। और देखिए, जहां तक अमित शाह के दौरे की बात है, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है। और लालू जी कह रहे हैं कि नीतीश जी को लेकर सोनिया गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे। जिस राहुल गांधी की हिम्मत नहीं है गुजरात जाने की, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं, हिमाचल क्यों नहीं जा रहे हैं जहाँ चुनाव होना है, और उत्तर प्रदेश में भी केवल 2 दिन का दौरा कर रहे हैं और केरल में 19 दिन का दौरा कर रहे हैं। तो आपने जिन लोगों से हाथ मिलाया है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, देश की जनता ने उनको नकार दिया है। और अब जिनसे भी जाकर मिले, जिनके साथ भी जाकर मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से लौट कर आएंगे। आपको बता दें, जमानत पर जेल से छूटने के बाद लालू यादव लगातार राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। हालांकि लालू की राजनीतिक गतिविधियां अभी दिल्ली तक ही सीमित है, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही लालू यादव बिहार में एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं।